नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे निफ्टी के बारे में, और निफ्टी में जितने भी 50 स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उन सब की हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, देखेंगे कहां पर ब्रेकआउट हो रहा है, देखेंगे कहां पर हमको ब्रेकआउट होने वाला है, कहां पर हमको बाइंग एंट्री मिल सकती है, कहां पर हम पोजिशन बना सकते हैं, और इंट्राडे में क्या कुछ होने वाला है मंडे के सेशन में। तो चलिए आइए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी से। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले आप लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। मैं भगवान से कामना करता हूं कि जितने भी नवे ट्रेडर आ रहे हैं वो बहुत अच्छा सीख कर आए, बहुत अच्छा पैसा बनाए मार्केट्स में, क्योंकि देखिए मार्केट एक समुंदर है पैसों का, यहाँ पर कोई इसका अंत नहीं है कि आप मार्केट से कितना पैसा कमा सकते हैं। सो आप लोगों के लिए मैं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, आप लोगों के लिए अच्छे ट्रेडिंग की कामना करता हूँ, आप लोग अच्छा पैसा कमाएं, आप लोग का परिवार सुखी रहे, तो भगवान से मेरी यही कामना है। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 की एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि देखिए 30 दिसंबर की हम यहाँ पर जो कैंडल की हम एनालिसिस करेंगे, तो हमने यहाँ पर देखा था कि हमको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी हमको यहाँ पर देखने को मिली थी, और उसके बाद यहाँ पर कुछ डोजी टाइप की कैंडल देखने को मिली थी, और उसके बाद देखिए फाइनली निफ्टी ने देखिए आज कुछ ऊपर जाने की कोशिश करी है, बट यहाँ पर देखिए इसमें जो है सेलिंग प्रेशर यहाँ से हावी हो गया और जो है निफ्टी फिर नीचे की तरफ आई, ये हमको देखने को मिला। नियर अबाउट 2 बजे के बाद से जो है सेलर यहाँ पर एक्टिवेट हो गए थे। फाइनली देखिए आज निफ्टी में जो है बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, कोई वोल्टिलिटी थी, मतलब कभी नीचे से ऊपर कभी ऊपर से नीचे, तो यहाँ पर कह सकते हैं आज बड़े प्लेयर ने जो है मूव नहीं किया, बड़े प्लेयर्स ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। सो यहाँ पर आज हमको निफ्टी में कोई खास मूव देखने को नहीं मिली, सभी लोग न्यू ईयर का जश्न मनाने में लगे होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि बड़े ट्रेडर हैं भाई कुछ भी कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन हम भी बड़े बनेंगे, आप भी बड़े बनेंगे, सभी लोग बड़े बनेंगे, तो मैं आप कामना करता हूँ कि सब लोग एक बहुत अच्छे और बहुत सक्सेसफुल आप लोग ट्रेडर बने। तो चलिए यहाँ पर अब मैं चलेंगे हम यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में, और मैं बताऊंगा। देखिए मैं यहाँ पर आज मैं निफ्टी में स्टॉक भी किया था, और यहाँ पर 2 स्टॉक मेरे प्रॉफिटेबल थे और एक मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। तो फाइनली यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखिए ड्रॉ करके रखी हुई है। अगर मैं आप लोगों को देखिए पहले मैं 30 मिनट के चार्ट में लेकर चलता हूँ, और 30 मिनट के चार्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ करके रखी हुई है, फाइनली देखिए इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी मार्केट जा रही है तो रिवर्स होकर नीचे की तरफ यहाँ पर आ जा रही है। ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पर जब पहली बार गई है तो यहाँ से देखिए कितनी बड़ी गिरावट हुई है। ये भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में चैनल में दिया था कि इस तरह यहाँ पर मैंने आपको सेल करने के लिए दिया था निफ्टी को। सो देखिए अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंट्राडे के मैं कॉल्स वहां पर देता हूं, वहां पर मैं चार्ट कंटिन्यू पोस्ट करता हूं, पोजिशनल कॉल्स देता हूं वीकेंड पर। तो यहां पर देखिए दूसरी टाइम में यहां पर देखिए रिवर्स हुआ, तीसरी टाइम फिर देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास गया, टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद फिर यहां से रिवर्स हुआ, चौथी बार देखिए यहां पर गया फिर रिवर्स हुआ, और फाइनली आज के दिन में तो कंटिन्यू मतलब इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही देखिए काफी इसने यहाँ मशक्कत की है, मतलब यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की, बट यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया। सो देखिए अगर मैं आप लोगों को एक मैं बड़े टाइम फ्रेम में लेकर चलूँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेकर चलूँ, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए अगर ये ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे आप तो नीचे से ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर देखिए आरएसआई में जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है ये ऊपर से नीचे की तरफ है। मींस यहां पर भी जैसा बैंक निफ्टी में मैंने अभी आपको वीडियो बना के दिया है, सेम बैंक निफ्टी में भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, और निफ्टी 50 में भी देखिए इंडेक्स में यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, तो मे भी देखिए यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। ध्यान रखिएगा अगर आप सेलिंग साइड में हैं, अगर आपके पास पोजीशन है तो आप अलर्ट हो जाइए, मे बी यहाँ पर करेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मेरा टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है ये 13,900 के आसपास तक निफ्टी आ सकती है। ध्यान रखिएगा यहाँ से 200 से 250 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर हो सकती है, और ये गिरावट काफी तेज होने वाली है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, गिरावट काफी तेज होगी और आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा अगर आप पोजिशन में है। देखिए और यहाँ पर हम बाइंग साइड कब जाएंगे, बाइंग साइड देखिए जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पर बाइंग साइड जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में, और 5 मिनट के चार्ट में मैं आपसे कुछ यहाँ पर एनालिसिस करूंगा, कुछ चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो फाइनली यहाँ पर देखिए 5 मिनट का चार्ट मैंने खोल लिया है। अब देखिए यहां पर जब फर्स्ट कैंडल जब यहां पर बनी थी निफ्टी की, तो देखिए यहां पर एक ट्रेंड लाइन के आसपास देखिए यहां पर जब जा रहा था, तो मैंने यहां पर ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट भी किया था कि मे बी यहां से शायद नीचे की तरफ निफ्टी आ सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है एक हर्डल है इसके लिए। सो यहाँ पर देखिए जो हमने पहला ट्रेड लिया उसमें हमको 1:1 मिला, दूसरा ट्रेड लिया उसमें हमारा 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, और तीसरे ट्रेड में भी हमको 1:1 मिला। फाइनली हमने ट्रेडिंग बंद कर दी क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम था नहीं बिल्कुल। तो फाइनली अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर अलर्ट होने की जरूरत है। 15 मिनट के चार्ट में चलिए और देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है अब मंडे के सेशन में। अब मंडे के सेशन में देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास जो यहाँ पर सपोर्ट है वो सपोर्ट देखिए ये लेवल है जो मैंने यहाँ पर अभी आपके सामने मैं ड्रॉ किया है,
तो मान के चलिए 14,000 का लेवल, 14,000 का लेवल जब तक हम 14,000 के ऊपर हैं तब तक जो है हमको यहाँ सेल नहीं करना है, और जैसे हम 14,000 का लेवल ब्रेक करेंगे हम यहाँ पर सेलिंग के लिए आ जाएंगे। अब देखिए मैंने आप लोगों के लिए नीचे से ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से देखिए ड्रॉ करी है, और फाइनली देखिए आज इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है, जो 2 बजे के बाद मैं आपको बता रहा था कि एक सेलिंग आई थी, तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका है, और फाइनली देखिए ब्रेकआउट के बाद अब इस 14,000 के लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है। अब मे भी देखिए अगर यहाँ से इसको ऊपर की तरफ निकलना है तो ये सबसे परफेक्ट जगह पर खड़ा है यहाँ से बाउंस बैक लेने के लिए। मे भी यहाँ से देखिए बाउंस बैक भी हो सकता है, मंडे के सेशन में बाउंस बैक होने के बाद अगेन जो है इस ट्रेंड लाइन के आसपास जा सकता है जो हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। और 14,000 के नीचे अगर यहाँ मान लीजिए ओपन होता है तो यहाँ पर आपको क्लियर कट जो है सेल के लिए जाना है। यहाँ पर अपना पहला टारगेट जो होगा 13,950 का होगा, दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पर जो होगा वो 13,900 के आसपास का होगा। तो देखिए 100 पॉइंट्स के लिए हम जो है मंडे के को जाएंगे, और मोस्टली हमारा जो फोकस होगा वो सेल साइड होगा रेदर देन बाय साइड, क्योंकि आज भी मैं जितने भी निफ्टी में ट्रेड ले रहा था वो सेल साइड के ले रहा था, मैं पीई बार बार बाय कर रहा था। तो अब यहां पर देख लीजिए यहां पर फ्लैट ओपनिंग में क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग में भी यहां से फ्लैट ओपनिंग में 14,000 का यहां पर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर सकता है फ्लैट ओपनिंग। अब मान लीजिए यहां पर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, तो गैप डाउन ओपनिंग में मान लीजिए 50-60 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग मिल गई है 20-25 पॉइंट की, मीन्स अगर 14,000 के नीचे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो वहां से क्लियर कट एक सेलिंग आ सकती है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर मान लीजिए आपको गैप अप ओपनिंग यहां पर मिलती है, मान लीजिए यहां से मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप होने के बाद 40-50 पॉइंट ऊपर की तरफ खुलता है, मीन्स 14,050 14,060 के आसपास खुलता है, तो वो क्लियर कट एक सेलिंग का एरिया है, ध्यान रखिएगा। ये जब 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 आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिले तब तक आपको यहां पर सेल करना है, जब हाँ जब यहां पर बिल्कुल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए तो वहां पर हमको एक 90 डिग्री का हमको सीधा ही एक मूव हमको देखने को मिलेगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो चलते हैं निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो फाइनली यहां पर देखिए मैं निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं 50 में वहां पर आ गया हूं। तो यहाँ पर देखिए आज अडानी पोर्ट में क्या हुआ, अडानी पोर्ट में देखिए सभी स्टॉक में वॉल्यूम नहीं था, बट आज अडानी पोर्ट में जो है अडानी खुद बाय कर रहा था या फिर क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि स्टॉक्स में मे भी देखिए 85% स्टॉक जो है उसमें वॉल्यूम नहीं था, और जो है अडानी पोर्ट में मतलब इस तरह की कैंडल बनना मतलब कुछ सवाल मतलब कभी खड़े कर सकता है, चलो बाकी मार्केट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली 503 रुपये के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर हमको मिल चुकी है, जो आज का हाई लगा है वो 500 नियर अबाउट कितने गलत 508 का लगा है, तो 505 रुपए के ऊपर मंडे को यहां पर इंट्राडे में ट्रेड लिया जा सकता है। एशियन पेंट देखिए मैंने आपको इस लेवल पर दिया था 2650 के ऊपर, पोजिशनल वालों के लिए 2650 के ऊपर यहाँ पर एक हमारा 2700 और 2750 का टारगेट, तो फाइनली वो सारे टारगेट अचीव हो गए हैं, तो मे बी अभी यहाँ पर बाइंग मत करिए क्योंकि कंटिन्यू ऊपर की तरफ अभी जा रहा है। मे बी देखिए इंट्राडे में अगर कोई यहाँ पर पैटर्न मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर जरूर कर दूंगा। एक्सिस बैंक, तो मैंने बैंकिंग की वीडियो बना दी है, बैंकिंग की वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए। बजाज ऑटो देखिए हमने यहाँ पर आपको ब्रेकआउट स्टॉक में भी दिया था 3370 रुपए के ऊपर, तो फाइनली देखिए 3370 रुपए से आज जो इसका हाई लगा वो 3500 के आसपास का लगा 3495। अब यहां पर आप 3490 रुपए के ऊपर अगेन जो है इंट्राडे में बाइंग के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस के लिए जो हर्डल बना हुआ है वो 5400 का एक हर्डल बना हुआ है, तो जब तक ये 5400 का हर्डल निकाल नहीं लेता तब तक हम यहां पर बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। और मे भी अगर हमको यहां पर बजाज फाइनेंस जो है यहां पर हमको मिलता है 5250 के नीचे अगर ये निकलता है तो हम यहां पर 5200 के टारगेट के लिए हम नीचे की तरफ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए बजाज फिंजर्व, तो बजाज फिंजर्व भी देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश की थी बट यहाँ पर ब्रेकआउट फेक हुआ और फाइनली नीचे की तरफ आ गया। अब इसके लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो 8600 का, अगर 8600 का लेवल ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर नियर अबाउट 8000 के लमसम की मूव हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीपीसीएल, तो बीपीसीएल फाइनली देखिए जो मैंने आपको पिछले वीक के स्टॉक में दिया था बीपीसीएल ने देखिए फाइनली यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन करने के बाद कंटिन्यू अब ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पर हम बाइंग करेंगे 385 रुपए के ऊपर, टारगेट हमारा होगा 390 रुपए और 395 रुपए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा भारतीय एयरटेल, तो देखिए जो मैंने यहां से ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करके रखी हुई है कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन के पास आकर बार बार बाउंस बैक हो रहा है। देखिए यहां से भी बाउंस बैक हुआ, यहां से भी बाउंस बैक हुआ और फाइनली यहां पर भी जो है अब एक हैमर कैंडल बन गई है। तो आप यहां पर देखिए अगर पोजिशन लेना चाहते हैं तो पोजिशन जो लेना है आपको अगर छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो मे बी आप यहाँ पर 505 के आसपास का स्टॉप लॉस रखकर यहाँ से अभी 515 का प्राइस है तो यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं, अदरवाइज इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ मैं आपको 516 रुपए के ऊपर यहाँ बाइंग कर सकते हैं, 521 और 526 रुपए आपका यहाँ पर टारगेट रहने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ब्रिटानिया, तो ब्रिटानिया का सपोर्ट लेवल देखिए 3540 के आसपास का है, 3540 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर जो है 3500 और 3450 का लेवल बहुत जल्दी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिप्ला, तो सिप्ला ने भी देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए लॉजिक समझिएगा मैं क्या चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए इसके लिए एक रेंज थी, ये ऊपर की जो रेंज थी वो 815 रुपये थी और जो नीचे की रेंज थी वो 700 रुपये थी, और फाइनली देखिए यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है, रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट कर हो रहा था,
अब रीटेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मे भी यहां से 826 से अब यहां पर बाइंग शुरू हो सकती है मंडे के सेशन से, और यहां पर टारगेट जो है मेरा यहां पर 900 और 1000 के आसपास का है, पोजिशनल टारगेट है ये। इंट्राडे में बाइंग करना चाहते हैं तो आप यहां पर 830 रुपए क्लोजिंग के ऊपर बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोल इंडिया। तो कोल इंडिया देखिए जो ट्रेंड लाइन रेड कलर की ड्रॉ करके रखी हुई है कंटिन्यू, इसी लेवल से बार बार बाउंस बैक हो रहा है, और अभी सेम इसी लेवल पर ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहीं पर जो है कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। मे बी अगर यहाँ पर 134 का लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर 130 का लेवल बहुत जल्दी देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी देखिए कंटिन्यू जो है काफी दिनों से, 3 से 4 महीने हो चुके हैं, जो 5300 का लेवल है उसको निकाल नहीं पा रहा है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब ये 5300 का लेवल निकलेगा तो हम यहाँ पर कम से कम 2 से 3 दिन बहुत बड़ी बड़ी मूव यहाँ पर देखने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनेंगी, इसी का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 5300 के क्लोजिंग के ऊपर आप चाहे इंट्राडे में भी ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट यहाँ पर 5350 और 5400 का होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आइशर मोटर। तो आइशर मोटर के ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से मैंने ड्रॉ करके रखी हुई थी सबसे इंपॉर्टेंट थी। फाइनली देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इसके लिए हर्डल जो था वो 2520 का था, और 2520 का लेवल यहां पर निकल चुका है। अब यहां पर 2560 रुपए के ऊपर यहां पर बाइंग कर सकते हैं। टारगेट यहां पर हमारा 26 और 2620 रुपए होगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रासिम। तो ग्रासिम ने भी देखिए यहां से अगर मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहां से दिखाऊं, ये देखिए ट्रेंड लाइन मैंने यहां से ड्रॉ की है। तो फाइनली देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने के बाद एक इसने बहुत जबरदस्त कैंडल बनाई हुई है। अब इस कैंडल के बाद जो हमारे पास हर्डल आ गया वो 950 के आसपास का हर्डल आ गया। पोजिशनल ट्रेडर्स भी ध्यान से सुन ले, अगर 950 के ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो यहां पर टारगेट 1000 और 1100 का है। अगर इंट्राडे में आप ट्रेड करते हैं तो इसको एक बार 950 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, उसके बाद हम यहां पर डे की ट्रेडिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक हमारा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंकिंग की वीडियो बना दी है, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी लाइफ। तो एचडीएफसी लाइफ ने देखिए फाइनली ब्रेकआउट देने के बाद यहां पर रीटेस्ट हो रहा था, और रीटेस्ट होने के बाद फाइनली आज ये ग्रीन कैंडल दी है इसने। 680 रुपए के ऊपर इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं। 685 और 690 रुपए यहां पर हमारा टारगेट होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प जब तक इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक इसमें हमारा कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंडालको। तो हिंडालको में देखिए अगर बाइंग यहां पर करनी है तो 240 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर को वेट करना है। 240 रुपए के ऊपर ही क्लोजिंग होती तो हमारा यहां पर टारगेट 245 रुपए और 250 रुपए के लिए हम यहां पर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू ऊपर जो है सस्टेन कर रहा है। अब यहां पर इसने एक रेंज बना दी है, ऊपर की रेंज है ऊपर 2420 रुपए और नीचे की रेंज जो है वो 2370 रुपए के आसपास है। तो मे भी यहां पर 50 पॉइंट की रेंज बन चुकी है। अब जिस तरह भी ब्रेकआउट करेगा 50 पॉइंट की वो हमको यहां पर बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी। एचडीएफसी भी देखिए कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से बाउंस बैक होता जा रहा है। अब मैंने यहां पर आपको कहां पर दिया था मैं आपको एक मिनट बता देता हूं, इस लेवल के आसपास दिया था। देखो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके भी यहां पर दिखा देता हूं। तो ये हमारा लेवल था नियर अबाउट 1950 के ऊपर। तो 1950 से जिसने भी होल्ड किया होगा उसे उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। 2550 के ऊपर अभी चल रहा है तो यहां पर 2570 के ऊपर इंट्राडे में बाइंग यहां पर की जा सकती है। बट वहां पर लेवल देखने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के बाद आईसीआईसीआई बैंक कंटिन्यू चैनल में ट्रेड कर रहा है, मे बी अब नीचे वाले चैनल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईओसी। तो आईओसी में इसको बाय करिए 92 की क्लोजिंग के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईटीसी। तो आईटीसी देखिए आईटीसी को हमने यहां पर जो बाइंग दी थी वो 175 की क्लोजिंग के ऊपर दी थी और फाइनली इसने हाई लगाया 220 के आसपास का। तो फाइनली हमारा 215 का टारगेट था अचीव हो चुका है। अब यहां पर देखिए बाइंग कर सकते हैं इंट्राडे में, मेरे को अभी जो है काफी अच्छी कैंडल दिख रही है। 215 रुपए के ऊपर जैसे निकले इसमें बाइंग की जा सकती है। टारगेट यहां पर 218 और 220 रुपए होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इन्फोसिस। इन्फोसिस ने फाइनली देखिए ब्रेकआउट दे दिया है, ये भी मैंने ब्रेकआउट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिया था। तो देखिए यहां से ब्रेकआउट होने के बाद कितनी अच्छी मूव यहां पर मिल चुकी है। तो अब यहां पर देखिए अब यहां पर 1250 के ऊपर की हमको यहां पर क्लोजिंग चाहिए। 1250 के ऊपर की क्लोजिंग पोजिशनल ट्रेडर वालों को 1400 और 1500 तक का लेवल दिखाएगी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा देखिए एलटी। तो एलटी में भी देखिए जो लेवल मैंने आपको बताया था पिछले वीक वो सेम देखिए अभी उसी लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 1300 के ऊपर की क्लोजिंग यहां पर नहीं आ रही, जब तक 1300 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आते तब तक यहां पर अभी कोई कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मारुति। तो मारुति में देखिए ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर रेड कलर की ड्रॉ मैंने करके रखी हुई है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक अभी हम बाइंग के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर मैं नीचे से एक ट्रेंड लाइन यहां से ड्रॉ करूं तो देखिए अगर अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो मे भी यहां पे जो सपोर्ट हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है तो यहां पर ये 7350 के आसपास आ सकता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है 7750 के ऊपर यहां पर ब्रेक करता है ब्रेकआउट करता है तो यहां पर टारगेट हमारा 7900 का होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा नेस्ले। तो नेस्ले को देखिए मैंने आप लोगों को इस लेवल के आसपास दिया था नियर अबाउट 18000 के क्लोजिंग के ऊपर कि 18000 क्लोजिंग के ऊपर हम यहां पर बाइंग कर सकते हैं। फाइनली 18500 का लेवल इसने टेस्ट किया है, 18500 नहीं 18800 के
900 का लेवल टेस्ट किया है। अब यहां से देखिए मे बी बाइंग आ सकती है। देखिए क्यों बाइंग आ सकती है, लॉजिक समझिए इसका। अभी देखिए जो ट्रेंड लाइन मैंने नीचे से मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, अगर आप ध्यान देंगे तो बार बार इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है। तो इस बार भी ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन के आसपास है और यहाँ पर रेंज बन चुकी है। रेंज अब 18,500 क्लोजिंग के ऊपर, अगेन मैं आप लोगों को सेम बता रहा हूँ, 18,500 क्लोजिंग के ऊपर अगेन आप यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड देखिए अभी कंटिन्यू एक ट्रायंगल चैनल में यहाँ पर काम कर रहा है। अब इसको देखिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये रेजिस्टेंस लेवल 192 का, 192 का लेवल निकलने दीजिए या फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे 200 रुपए के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ में फाइनली देखिए ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मे बी यहाँ पे सस्टेन अभी देखिए रीटेस्ट होने के लिए यहाँ तक आ सकता है 880 के आसपास तक। तो यहाँ पर अगर आप पोजिशनल बाय करना चाहते हैं तो 910 रुपए क्लोजिंग के ऊपर पोजिशनल बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा रिलायंस। तो रिलायंस देखिए काफी दिन हो चुके हैं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही है। ये ट्रेंड लाइन मैं थोड़ी डार्क कर देता हूं तो आप लोगों को जरा अच्छे से दिखाई देगी। ये जो मैं ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं, तो ये ट्रेंड लाइन काफी दिन हो गए मैं कंटिन्यू इसको मैं वॉच कर रहा हूं, ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक कर पा रहा है रिलायंस। और मे भी अगर देखिए अगर ये मंडे के सेशन में 1970 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर 1950 का लेवल इंट्राडे के सेशन में देखेंगे। और जब हम यहाँ पर बाइंग तभी करेंगे जब ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे और क्रॉस करने के बाद यहाँ पर 2030 के ऊपर क्लोजिंग दे, तब हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा श्री सीमेंट। तो श्री सीमेंट के लिए देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर तैयार है। अब यहाँ पर देखिए हमको बाइंग कहाँ करनी है, 24,750 के क्लोजिंग के ऊपर। 24,750 के क्लोजिंग के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर 25,500 के टारगेट के लिए जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सन फार्मा। तो सन फार्मा में देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ये चीज ये मैंने चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल में भी दिया था। यहां से देखिए ट्रेंड लाइन एक रेड कलर की ड्रॉ करके रखी हुई है और फाइनली ये ग्रीन कैंडल ने देखिए ब्रेकआउट किया था। अब ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर का इसका जो हर्डल है अभी ये 600 का हर्डल है। अब 600 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आती है तो मैं यहां पर पर्सनली यहां पर पोजिशनल बाइंग करूंगा और यहां पर टारगेट मेरा कम से कम 650 का होने वाला है। फार्मा स्टॉक में नजर बना के रखिएगा, फार्मा स्टॉक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। मे बी 4 से 5 महीने में आपको बहुत अच्छी रिटर्न दे सकते हैं फार्मा स्टॉक। बस यहां पर अभी एक्टिव होने की देरी है, जब जैसे ही एक्टिवेट हो गए वैसे हमने यहां पर एंट्री कर लेनी है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा देखिए टीसीएस। तो टीसीएस के लिए देखिए अब यहाँ पर जो लेवल देखिए, यहाँ टीसीएस मैंने आप लोगों को दिया था 2750 क्लोजिंग के ऊपर और फाइनली देखिए इसने जो हाई लगा दिया वो 2950 का लगाया, तो हमको यहाँ पर 200 पॉइंट्स के आसपास की हमको यहाँ पर मूव मिल चुकी है। अब यहाँ पर 2950 के ऊपर निकलता है तो 3,3100 इसका टारगेट होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पर हमारे पास टाटा मोटर। टाटा मोटर अपने हर्डल के आसपास काम कर रहा है, 189 इसका हर्डल है, 189 निकालेगा तो हम यहाँ पर 195 और 200 के टारगेट के लिए जाने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा देखिए अब यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू यहां पर एक समझ लीजिए एक इनसाइड कैंडल समझ लीजिए या फिर दोनों का हाई इस टाइम अभी सेम अपने को लग रहा है 985 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर यहां पर निकलता है तो यहां पर 1,000 रुपए के टारगेट के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाइटन। तो टाइटन को देखिए मैंने आपको यहां पर दिया था 1440 के पास, तो फाइनली देखिए इसका जो हाई लगा है 1575। तो अब इसको एक बार थोड़ा सा इसको करेक्शन इसमें आने दीजिए, उसके बाद यहां पर अगर पोजिशन आपने बनानी है तब बनाइएगा। अगर देखिए अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ब्रेक करता है तभी हम यहां पर जो लेवल देखेंगे वो 1450 के आसपास का लेवल देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा यूपीएल। तो यूपीएल में मेरा कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में बहुत जबरदस्त पैटर्न बन रहा है, यहां पर जरूर यहां पर बाइंग करना है तो यहां 5400 के ऊपर जरूर यहां पर बाइंग करिए अल्ट्राटेक, क्योंकि यहां पर देखिए इनसाइड कैंडल एक पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न होता है और बहुत जबरदस्त यहां पर मूव देकर जाता है। तो 5400 के ऊपर जैसे क्लोजिंग देता है 5 मिनट की कैंडल देखिए इंट्राडे में और 5 मिनट की कैंडल 5400 के ऊपर क्लोज होती है तो उसके बाद आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं। टारगेट मेरा यहां पर 5500 है। नेक्स्ट स्टॉक और हमारा विप्रो। तो विप्रो देखिए यहां पर ब्रेकआउट देने के बाद देखिए अब जो ऊपर का इसका जो हर्डल है वो 392 का है। 392 का हर्डल निकालता है तो 400 और 410 का लेवल हम यहां पर देखेंगे। चलिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पर लिंक दिया हुआ है अलायंस ब्लू का और एंजल ब्रोकिंग का, वहां से आप अकाउंट ओपन करके आप हमारे इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी, हैप्पी न्यू ईयर।